नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद रत्न में। अक्सर गर्मी के दिनों में स्किन टैनिंग की समस्या बढ़ जाती है और महिलाएं तो इससे काफी परेशान रहती हैं। स्किन टैनिंग के कारण चेहरे की त्वचा बदरंग नजर आती है। शरीर का जो भी हिस्सा ढका हुआ नहीं होता है वहाँ सूरज की किरणें अपना बुरा असर दिखा ही देती है, जिससे आपकी त्वचा टैन हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्किन टैनिंग की समस्या से बच सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्किन टैनिंग से बचने के लिए कई घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो वो घरेलू नुस्खा है स्क्रब। जी हाँ, बादाम से बेहतर फेशियल स्क्रब तैयार किया जा सकता है। बादाम को गर्म पानी में तब तक रखें जब तक कि छिलका हटने ना लगे, फिर उसे सुखाकर पाउडर की तरह ग्राइंड कर लें। इस पाउडर को एयर टाइट जार में बंद करके रख दें और प्रत्येक सुबह 2 छोटे चम्मच बादाम पाउडर में थोड़ी सी दही मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर पानी से धो लें। जिनकी त्वचा ऑयली है वो चावल के पाउडर में दही मिलाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा दही में चुटकी भर हल्दी मिलाकर प्रतिदिन 20 से 30 मिनट चेहरे पर लगाकर रखें। उसके बाद पानी से चेहरा धो लें। 1 छोटी चम्मच हल्दी में 2 छोटी चम्मच नींबू का रस मिलाकर प्रतिदिन चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट रखने के बाद इसे धो लें। अगर आपकी त्वचा ऑयली हो तो उसके लिए ये उपाय अपनाएं। बराबर मात्रा में नींबू और खीरे का रस मिलाकर 20 मिनट के लिए प्रतिदिन लगाएं। आप चाहें तो खीरे के गूदे को दही में मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि खीरे में एस्ट्रिंजेंट होते हैं। टमाटर के गूदे में 1 छोटे चम्मच शहद मिलाएं और प्रतिदिन 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर पानी से धो लें। अगर आपको सनबर्न है तो कॉटन वूल की मदद से प्रतिदिन चेहरे पर कोल्ड मिल्क अप्लाई करें। यह स्किन को न केवल मुलायम बनाएगा बल्कि इससे त्वचा का रंग भी साफ होगा। सामान्य से रूखी त्वचा वाली युवतियों को इसका प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए। सनबर्न को दूर करने के लिए आप चाहें तो मुट्ठी भर तिल के दानों को चूर कर लें और इसमें 1/2 कप पानी मिला लें और इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। पानी छान लें और उस पानी से चेहरे को साफ करें। डार्क स्पॉट्स के लिए थोड़े से दानेदार नमक को क्रीम या प्लेन व्हाइट पेट्रोलियम जेली में मिलाएं और उन भागों में लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें जहां डार्क स्पॉट्स हैं। इसे पानी से साफ करने के बाद कोल्ड मिल्क चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखें और फिर चेहरा धो लें। क्लींजिंग और स्किन लाइटनिंग मास्क। खीरा और पपीते के गूदे को 1 छोटे चम्मच दही, 1 छोटे चम्मच शहद, 4 छोटे चम्मच ओटमील और 1 छोटे चम्मच नींबू के रस के साथ मिला लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गर्दन और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार इसे 1/2 घंटे लगाकर रखने से आपकी त्वचा मुलायम और चमकीली हो जाएगी। बॉडी मसाज के लिए तिल के तेल से प्रतिदिन शरीर को मसाज दें। दही में बेसन, नींबू का रस और चुटकी भर हल्दी मिलाएं और गर्दन, बांह, पैरों पर सप्ताह में 3 बार कम से कम 30 मिनट के लिए लगाकर रखें और फिर साफ पानी से इसे धो लें। हाथों और पैरों की देखभाल के लिए बड़े दाने वाली चीनी और नींबू के रस को मिक्स कर लें। इसे हाथों पर लगाएं। इसे तब तक रगड़ें जब तक कि चीनी घुल ना जाए। 15 मिनट रखने के बाद इसे धो लें। चाहे तो 2 बड़े चम्मच सूरजमुखी के तेल और 3 बड़े चम्मच दानेदार चीनी को मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करें और हाथों पर रगड़ें। 15 मिनट बाद इसे धो लें। पैरों की देखभाल के लिए पानी में नींबू का रस मिलाएं और उसमें पैरों को डुबाकर रखें। इससे टैनिंग की समस्या दूर होने के साथ साथ पैरों की दुर्गंध भी दूर होती है। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।